स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने चैनल आयुष क्लासेस में। कैसे हो सब? सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे विज्ञान विषय की पांचवे पाठ, जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले निशान को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा? तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन की हमने परिभाषा पढ़ ली थी और उसके उदाहरण पढ़ लिए थे। आज हम रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और उनके उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है रासायनिक परिवर्तन। कि रासायनिक परिवर्तन की क्या परिभाषा है? तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा है ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए वस्तु पदार्थों का निर्माण होता है, यानी एक या एक से अधिक वस्तु नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं भोजन का पाचन होना, यानी किस प्रकार ये हमारे मुख से हमारे भोजन हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं और यह पाचन होता है। इस भोजन का पाचन होता है तो यह कैसा होता है? और अगर आपने हमारे भोजन के पाचन का दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर आप मेरा वह वीडियो देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो दूसरा है फलों का पकना, यानी किस प्रकार पहले आम कच्चे थे फिर आम पक गए हैं, तो यह फलों का पकना हो गया। औषधि निर्माण यानी दवाइयों का निर्माण होना, दवाइयों का निर्माण कैसे होता है? प्लास्टिक और अपमार्जक का निर्माण, अपमार्जक का अर्थ होता है साबुन। प्लास्टिक और अपमार्जन का निर्माण कैसे होता है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला, पदार्थों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें गैसें उत्पन्न होती है। जब हम कोई पदार्थ को जलाते हैं, जैसे हम कागज को जलाते हैं, तो उससे कुछ अलग प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है। तो इसमें गैस है जो एक नया पदार्थ है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हो जाए। सेब को काटने के कुछ समय के बाद उसकी कटी सतह भूरी हो जाती है। यानी हमने सेब को, पहले सेब एकदम सही था, आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले सेब एकदम सही था और थोड़े समय बाद वह सेब अंदर से उसकी सतह भूरी हो जाती है, ऊपर की सतह है वह भूरी हो जाती है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लगता है तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यानी जब लोहे पर जंग लगता है, आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं किस प्रकार उस लोहे पर जंग लग गया है। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल, नमी, जलवाष्प की आवश्यकता होती है। जल यह नमी में होता है, हमारे वायुमंडल में होता है, और जलवाष्प भी होता है। तो यह तीनों एक ही प्रकार, इसे हम जल कहें चाहे नमी कहें चाहे जलवाष्प कहें, तो इन तीनों में एक ही नाम है जल। तो इनकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। अगर यह न हो तो किसी पदार्थ के हम जंग नहीं लगा सकते हैं, तो यह जंग लगने के लिए आवश्यक है। चूंकि लोहे से बनने वाला एक नया पदार्थ, चूंकि लोहे से जो जंग है वह नया पदार्थ है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हमें लोहे पर जंग लगने से रोकना है। किस प्रकार लोहे को जंग लगने से रोक पाएंगे? पहला है, लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए उसे ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क से बचाना होगा। हमें इसे रोकना है तो हमें ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क से इसे बचाना होगा। इसके लिए लोहे पर पेंट एवं ग्रीस लगाया जाता है। यानी इसके लिए लोहे पर पेंट, हमें पेंट करना पड़ेगा या हमें ग्रीस लगाना पड़ेगा। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को यसद लेपन कहते हैं।
लोहे पर ग्रीस की परत चढ़ाने को जैसे लेपन कहते हैं। और एक उदाहरण हमारे वायुमंडल में भी पाया जाता है, तो वह उदाहरण है ओजोन परत। तो ओजोन परत किस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में आती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक है। यानी जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वह पृथ्वी पर रहने वाले जीव जैसे मनुष्य, पशु, ये इन सब के लिए, चिड़िया, इन सब के लिए नुकसानदायक हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर ओजोन का आवरण पाया जाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर ओजोन का आवरण पाया जाता है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकता है। हमारी वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो इस पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ही ओजोन का निर्माण होता है। इन पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ही ओजोन का निर्माण होता है और ओजोन का अपघटित होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन का अपघटित होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो एक बार हम दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने रासायनिक परिवर्तन के परिभाषा से शुरू किया था। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, इससे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण है भोजन का पाचन, फलों का पकना, औषधि निर्माण, प्लास्टिक और अपमार्जक का निर्माण। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण, पदार्थों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें गैसें उत्पन्न होती हैं। यानी हम कागज़ को जलाते हैं तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ को जलाने के बाद हमें गैसें और राख प्राप्त होती है। तो यह गैस और राख एक नया पदार्थ है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। दूसरा है सेव को काटने के कुछ समय के बाद उसकी कटी सतह है भूरी हो जाती है। यानी पहले सेव एकदम स्वस्थ था, एकदम सही था, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले एकदम सेव सही था, बाद में हमने उसको काट कर रख दिया तो धीरे धीरे उसकी सतह भूरी हो जाती है। तो यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लगता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। लोहे पर जंग लगाने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। हमें लोहे पर जंग लगाना है तो हमें ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चूंकि लोहे से बनने वाला एक नया पदार्थ आता है तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन चूंकि लोहे से जो ये नया पदार्थ बनता है, जो जंग बनती है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगाने से रोकना, लोहे पर जंग लगाने से रोकने के लिए उसे ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क से बचाना होगा। इसके लिए लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाया जाता है। लोहे पर जिंक की परत लगाना यसद लेपन कहलाता है। तो यह जो तीन पॉइंट है इससे हम लोहे पर जंग लगने से रोक सकते हैं। एक उदाहरण है हमारे वायुमंडल में जो है ओजोन। तो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक है। हमारी पृथ्वी की चारों ओर ओजोन का वो आवरण पाया जाता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकता है। इन पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ही ओजोन का निर्माण होता है। तो ओजोन का अपघटित होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले निशान को दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।